लोडिया फार्मासिस्ट एग्जाम एस फ्रेंड्स, आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रेडियो फार्मास्यूटिक्स जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे हमेशा फार्मासी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इनसे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस फार्मासी एग्जाम में पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन अलग अलग फार्मासी एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, जैसे कि ESIC फार्मासिस्ट हो गया, RRB फार्मासिस्ट में, HP फार्मासिस्ट में, केरला फार्मासिस्ट में, CG फार्मासिस्ट में। तो ये सभी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप बुक पर मिल जाएगी। तो जरूर से इस बुक को आप प्रिफर करें अपने फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। चाहे आप कोई भी फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, एम्स, DSSB, रेलवे, ESIC या कोई भी स्टेट या सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो ज़रूर से इस बुक को प्रिफर करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करके भी इस बुक को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल, ये जो वर्ड्स है उसका मतलब ही क्या है। रेडियो मीन्स ये कुछ पर्टिकुलर रेज जो होती हैं उनसे डिनोट हो रही हैं, कुछ रे हैं, रेज हैं जो कि फार्मास्यूटिक्स में हेल्पफुल होती हैं। जैसे कि एक्सरे आपने कराया होगा अपनी बॉडी का, तो ये सारे जो रेज हैं वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो फार्मास्यूटिक्स हैं उसमें हेल्पफुल हैं, तब इसको हम रेडियो फार्मास्यूटिकल्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये जो रेज हैं ये क्या होती हैं, इनका क्या एप्लीकेशंस हैं हमारे फार्मेसी फील्ड में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं रेज आते कहाँ से हैं इनके बारे में। तो आपने ज़रूर से पीरियोडिक टेबल में स्टडी किया होगा 118, इतने सारे एलिमेंट तो आपने स्टडी किए हैं। तो यहाँ पर जो 89 से लेकर 188 यहाँ पर के जो एलिमेंट होती हैं ये हम जानते हैं बहुत ही हैवी होते हैं। हैवी मीन्स ये इनका मास बहुत ही ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि यहाँ पर जैसे पीरियोडिक टेबल में नंबर इंक्रीज होती जाती है, प्रोटॉन की जो संख्या वो इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि इनका जो मास है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी है। ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही ज़्यादा होंगे यहाँ पर, मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है। तो अब यहाँ पर देखिए इनके न्यूक्लियस में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, और ये इनके क्लास है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस लेकर बनाएंगे, ये इनका क्लास हुआ, यहाँ पर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन दिए गए हैं। तो ये क्या करेंगे अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, अब ये बहुत ही ज़्यादा हैवी है इसलिए ये स्टेबल नहीं फील कर पाते हैं। तो ये क्या करेंगे अपने आप को थोड़ा स्टेबल बनाने के लिए, यहाँ पर ये क्या करेंगे, कुछ पार्टिकल्स ये फिर क्या करते हैं अपने से बाहर निकालेंगे। ठीक है, रेस के रूप में, जैसे कि आप कह सकते हैं अल्फा, बीटा और गामा रेस के रूप में ये अपने न्यूक्लियस से कुछ पार्टिकल्स को बाहर निकालते हैं, ताकि इनका जो वजन है समझ लीजिए वो कम हो सके और ये क्या कर सके अपने आप को स्टेबल फील कर सके। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे ये रेस को इस प्रकार से वो बाहर निकालेंगे, यही कहलाती है रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, रेडियो एक्टिविटी कहलाती है। अब ये जो रेस है जो हमने क्या स्टडी किया, अल्फा, बीटा और गामा, तो यदि हम लोग इसको प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ पर देख लीजिए क्या है, यहाँ पर है समझ लीजिए अल्फा है, ये बीटा है समझ लीजिए, और ये है गामा रेस। ठीक है, तो अब इनकी एक्टिविटी यदि चेक करना है तो यहाँ पर लगा हुआ है कैथोड। ठीक है, ये क्या है, पूरा माइनस है, क्या लगा हुआ है, कैथोड लगा हुआ है। अब यहाँ पर क्या लगा हुआ है, यहाँ पर लगा हुआ है एनोड, एनोड मीन्स क्या हो गया, पूरा प्लस। तो ये जब बाहर निकलती हैं तो ये जो आपका अल्फा है, अल्फा पार्टिकल क्या हो, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये जाते हैं कैथोड की ओर, मीन्स माइनस की ओर, मीन्स ये क्या होगा, ऑब्वियसली बात है प्लस पार्टिकल है, इसीलिए जाकर कहाँ जाएगा, माइनस की ओर। वैसे यदि बीटा की बात करें तो ये कहाँ जाते हैं, ये जाते हैं एनोड की ओर, जो कि क्या है, प्लस है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस पार्टिकल हो जाएगा। और यदि गामा की बात करती है तो गामा किसी ओर नहीं जाता, ये सीधा सीधा चला जाता है, मीन्स ये ना ही प्लस की ओर जाता है ना ही माइनस की ओर, मीन्स ये न्यूट्रल एटम होने वाला है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है, ऐसा मैं आपको बस समझाने के लिए नहीं कह रही हूँ, प्रैक्टिकली ऐसा
होता है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, देखिए अब यदि हम लोग बात करें इनके पेनेट्रेशन पावर की, तो ये याद रखिएगा जब कभी अल्फा जब रिलीज होता है तो एक अल्फा क्या होते हैं, काफ़ी थोड़ी हैवी होती है, इनका जो मास होता है ज़्यादा होता है। इसीलिए अब आप ही सोचिए, यदि किसी भी एटम का मास ज़्यादा होगा, किसी चीज़ को आप फेंक रहे हैं तब यदि उसका मास ज़्यादा है तो वो कम दूर जाएगा, वहीं पर वो थोड़ा हल्का होगा तो ज़्यादा दूर जाएगा, और भी ज़्यादा हल्का होगा तो काफ़ी दूर वो जाता है। तो यहाँ पर अल्फा पार्टिकल है वो कम पेनेट्रेट कर पाएगा, थोड़ा मास ज़्यादा है इसलिए कुछ ही दूर वो जा पाता है। वैसे ही बीटा की बात करें तो एज कंपेयर अल्फा बीटा थोड़ा सा हल्का होता है तो ये ज़्यादा दूर तक जा पाता है, और गामा जिसमें कोई भी क्या है न्यूट्रल है तो ये क्या हो जाता है, ये काफ़ी हल्का होता है और इसका पेनेट्रेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं उनसे आपको जानना चाहिए। उसके बाद जो एटम्स आएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें तो थोड़ी आपको याद करनी होगी, एक टेबल बनाकर आपको याद कर लेना है कि पर्टिकुलर कौन सा एटम कौन से डिसीज डिसऑर्डर में यूज़ होता है करके, ओके। चलिए तो अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं रेडियो फार्मास्यूटिक से पूछे गए क्वेश्चन को। तो यहाँ पर दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेडिएशन ऑब्टेन फ्रॉम रेडियो एक्टिविटी कंपाउंड। तो यहाँ पर आपको यहीं पर क्लियर हो गया होगा, मैंने जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ही एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि करेक्ट होने वाला है, तो इसका कमेंट आप खुद ही करके बतलाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल से यहाँ पर आपको आंसर बतला ही दिया है। नेक्स्ट चलेंगे, द डायग्नोस्टिक एजेंट यूज फॉर द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। अब इनमें से कौन सा ऐसा जो एटम है, ठीक है, वो थायराइड के लिए डायग्नोस्टिक एजेंट की तरह वर्क करता है। तो अब ये जानिए थायराइड ग्लैंड में कौन से मेनली जो एलिमेंट्स है कह सकते हैं वो यूज में आते हैं। दिया गया है आयरन 59, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60 एंड फास्फोरस 32 दिया गया है। क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर, आपने जरूर से थायराइड हार्मोन के चैप्टर में स्टडी किया होगा, किसके बारे में, आयोडीन के बारे में स्टडी किया होगा, ठीक है। जब हम लोग एंटी थायराइड ड्रग्स के बारे में स्टडी भी करते हैं तब आपने आयोडीन का स्टडी भी किया होगा कि यहाँ पर आयोडीन जो है आयोडीन 131 भी रिक्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, जब थायराइड ग्लैंड के डायग्नोस्टिक की बात होगी तो आयोडीन 131 यूज होता है। आपने देखा होगा आयोडीन की कमी से जो गॉइटर हो जाता है तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती है, थायराइड ग्लैंड में ही आती है भाई। तो थायराइड ग्लैंड जब कभी भी याद आए तो आपको क्या याद रखना है, आपको आयोडीन याद रखना है। कैसे याद रख पाएंगे ये भी समझ लीजिए, थायराइड में आई वर्ड आता है, देखिए क्या आ रहा है, थायराइड में कहीं पर भी एफ ई नहीं आया, सी ओ नहीं आया, पी नहीं आया, पर आई जरूर से आया है, तो आई फॉर आयोडीन को याद रख लेना, एक छोटा सा ट्रिक अपने आप से बना लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, जीजर मुलर काउंटर के बारे में पूछा गया है, इज यूज टू डिटेक्ट, ठीक है, तो ये रेडियो एक्टिविटी को मेनली डिटेक्ट करने के लिए यूज में होता है। तो आप सभी जान रहे हैं अभी हमने क्या क्या पार्टिकल के बारे में स्टडी किया, क्या क्या रे के बारे में स्टडी किया, अल्फा बीटा और गामा, इन तीनों रेज के बारे में स्टडी किया। और ये जो जीजर मुलर काउंटर है इनसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्या करते हैं, रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने में हेल्प करते, ठीक है, मतलब ये डिटेक्टर के लिए यूज होते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल रेज जो होते हैं उनके डिटेक्शन में ये यूज आते हैं। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव लिस्ट परमिबिलिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन देखा जाए तो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया है जिसका मास कम होगा वो क्या होगा, अच्छे से पेनेट्रेट कर पाएगा, और वहीं पर जिसका मास बहुत ही ज़्यादा हैवी होगा वो क्या होगा, पेनेट्रेट करने में क्या हो जाएगा, बहुत ही कम वो पेनेट्रेट कर पाएगा। तो इसका भी आंसर आपको खुद ही देना होगा, इसके बारे में भी मैंने आपको अच्छे से डायग्रामेटिकली बताया हुआ है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है ये भी स्टडी कर लीजिए, लिस्ट दिया गया है, क्या, लिस्ट परमेबिलिटी, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि लिस्ट परमेबल होने वाला है, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा है। अब कौन सा है ये आप जान रहे हैं, आप आंसर करिए भाई। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रेडियो आइसोटॉप फास्फोरस 32 यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। अभी हमने क्या देखा, आयोडीन के बारे में देखा, ठीक है, तो आयोडीन से क्या याद रखा था हमने, याद करिए आई फॉर थायराइड याद रखना था। अब आपको पी फॉर क्या याद रखना है, पी से आपको पॉलीसाइथेमिया वेरा को याद रखना है, ठीक है, पी फॉर पॉलीसाइथेमिया और पी से फास्फोरस को याद रखना है, वैसे दो, ठीक है, पी फॉर आपको फास्फोरस करके याद रखना है, पी फॉर पॉलीसाइथेमिया याद रख लीजिए, यही हो जाएगा करेक्ट आंसर।
आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वेंचिंग गैस यूज इन जिंजर ट्यूब। ठीक है, तो जिंजर मूलर आपने काउंटर स्टडी किया, तो इसमें क्वेंचिंग के लिए क्या चीजें यूज की जाती है, कौन सा एटम है जिसको यूज करेंगे, ये दिया गया है। ऑर्गन, मेथेन, इथेन एंड जेनॉन, तो ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया सीजी फार्मेसी 2015 में, जहां पर ऑर्गन का यूज किया जाता है। ऑर्गन जो है वो गैस का यूज करते हैं एज अ क्वेंचिंग एजेंट के गैस के रूप में। ठीक है, आगे चलेंगे, द बेरियम मिल इज, जो कि टू टाइम पूछ लिया गया है 2016 एंड 13 में, दोनों टाइम ये क्वेश्चन आया गया है भाई। बेरियम मिल, अब देखिए ऑप्शन में सभी बेरियम क्लोराइड, बेरियम कार्बोनेट, बेरियम नाइट्रेट, बेरियम सल्फेट दिया गया है, पर जनरली हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपने देखा होगा, और ये जो आपका रेडियो फार्मास्यूटिक्स है, बेरियम मेनली हम लोग बेरियम सल्फेट को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जो बेरियम मिल के लिए हम लोग कह सकते हैं बेरियम सल्फेट का को ही कहा जाता है। ओके, ये भी आप लोग को याद रहने वाला है, बेरियम सल्फेट का बहुत ही यूज़ है, आगे आप लोग स्टडी करेंगे अभी इनऑर्गेनिक में जब हम लोग और क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट चलेंगे, एजेंट यूज एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडियम इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब गॉल ब्लैडर का जब एक्सरे एग्जामिनेशन हो रहा है तो कौन सा एक्सरे में कौन सा जो कॉन्ट्रास्ट मीडियम की तरह हम लोग उसको यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दिया गया है सिनामिक एसिड, आयोथेलमिक एसिड, आयोपिनोइक एसिड, मेंडेलिक एसिड, तो जनरली एसिड तो दिया ही गया है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम के लिए यहाँ पर हम लोग आयोपिनोइक एसिड का यूज करते हैं जब कभी गॉल ब्लैडर का हमें एग्जामिनेशन करना हो। ठीक है, तो एज अ कॉन्ट्रास्ट मीडिया याद रखिएगा, एक्सरे के कॉन्ट्रास्ट मीडियम में आयोपिनोइक एसिड को यूज में लाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, द एजेंट यूज एज अ रेडियो ऑप्टिक कॉन्ट्रास्ट मीडियम। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार रिपीट हुआ है केरला फार्मासिस्ट, एनसीएल फार्मासिस्ट, राजस्थान फार्मासिस्ट में और महाराष्ट्र में भी फार्मासिस्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट मीन्स, तो मैंने आपको क्या बतलाया, आगे अभी आप बहुत बार क्या स्टडी करने वाले हैं, जो जिसके लिए आपने बेरियम मिल उसका नाम रखा बेरियम सल्फेट को। ठीक है, तो यही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बेरियम सल्फेट रेडियो कॉन्ट्रास्ट मीडियम की तरह यूज में आता है। ठीक है, याद रखिएगा कुछ कुछ जो टर्म है उसको आपको याद रखना, इसीलिए सारे क्वेश्चंस को आप स्टडी कर लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं, जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। समझ लीजिए आपको कुछ चीज़ें पता भी नहीं है पर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में स्टडी कर लिया है, जैसे कि इसी क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ, यदि आपने इसका स्टडी किया रहता, रिपीटेशन देखिए कितना ज़्यादा हुआ है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो आपको आइडिया रहेगा कि हाँ मैंने इस क्वेश्चन को स्टडी किया था, इसका आंसर ये है, तो एटलीस्ट आपको भले कॉन्सेप्ट याद ना रहे बट आपने क्वेश्चन स्टडी किया है तो आपको जरूर से इसका आंसर है वो ध्यान में आ ही जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जरूर से ये ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप की बुक होनी ही चाहिए, यदि आप फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पर आपको सारे प्रीवियस ईयर के एमसीक्यू अवेलेबल हो जाएंगे। देख सकते हैं क्वेश्चन के रिपीटेशन होने के बहुत चांस होते हैं, इसीलिए जरूर से सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप के बुक के हेल्प से। आगे चलेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सिंटिलेशन डिटेक्टर। सिंटिलेशन डिटेक्टर में क्या है वो यूज किया जाता है, दिया गया सोडियम ब्रोमाइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन एंड लेड सल्फेट। तो जो एंथ्रासीन, ठीक है, एंथ्रासीन का मेनली यूज किया जाता है जब कभी भी सिंटिलेशन डिटेक्टर की तरह हम लोग यूज करेंगे। तो ठीक है, तो ये सारे थोड़े आपको जरूर से डिफिकल्ट लगे होंगे, टू द पॉइंट आपको याद भी करना होगा, बट कुछ तो एटम है जो कि बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हमने बेरियम सल्फेट के बारे में देखा, ऐसी बहुत से क्वेश्चन जो दिए गए हैं प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में रेडियो फार्मास्यूटिक्स से ही, तो उनको स्टडी करने के लिए जरूर से आपको बुक प्रीफर करनी चाहिए जो कि है ऑब्जेक्टिव फार्मासिस्ट एग्जाम एट योर फिंगर टिप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप डायरेक्टली GDC क्लासेस ऐप डाउनलोड करके भी इसे परचेज कर सकती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ऑल द बेस्ट।